नमस्कार, इतना स्वदेश पर आपका स्वागत है। मिटका मसाला में मैं हूं मनीष मेनुगिरी। और कह सकते हैं कि आज बाजार का मूड अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही है। कैसे तमाम सेक्टर इंडेक्स है जहां दबाव देखने को मिला, खासतौर पर बैंकिंग स्टॉक्स में देखिए आज भी दबाव है। एक सेक्टर्स को देख लीजिए, कोई भी ऐसा सेक्टर खोज के देखिए आज के डेट में, चाहे ऑटो है वहाँ दबाव देखने को मिला, मेटल देखिए वहाँ दबाव देखने को मिला, फार्मा देखिए वहाँ दबाव देखने को मिला, रियल्टी इंडेक्स देखिए वहाँ दबाव देखने को मिला। तो बाजार में कहीं ना कहीं चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी का लेवल देखिए आज के लिए, जो कुछ अहम लेवल आज टूटते हुए देखिए, 19,848 आज का हाई बनाया था। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब नीचे की तरफ निफ्टी फिसलता हुआ दिख रहा है। 19,781 का आज का लो है और अभी वो दिन के निचले स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है। पूरे दिन भर के चार्ट को आप देखिए, कहीं भी ये साइन दिख नहीं रहा है कि हाँ निफ्टी में यहाँ से थोड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है। अब बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी में आज दबाव देखने को मिला। आज वापस से जो है 45,000 के नीचे बैंक निफ्टी आ चुका है और उसके नीचे अब डिसाइसिव ट्रेड कर रहा है। बहुत देर तक इसने कोशिश की 45,000 को होल्ड करने की, वहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा था हमने देखा, लेकिन जैसे ही 45,000 टूटा उसके बाद गिरावट तेज हुई। इंट्राडे में 44,747 का लो बनाया, वहाँ से कह सकते हैं कि 80-90 पॉइंट की मामूली रिकवरी है, लेकिन दबाव देखने को मिला। याद रखिए आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, उसका भी प्रेशर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और अब देखना होगा कि क्या अगले 3-3.5 घंटे में, सेकंड हाफ में क्या यहाँ से निफ्टी में थोड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है। कुछ स्टॉक्स देखिए जो आज के बाजार में बेहद कमजोर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार में दबाव देखने को मिला। ऑटो स्टॉक्स में देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा जहाँ दबाव देखने को मिला, ICICI बैंक, ग्राम सिंह जैसे स्टॉक्स है जहाँ की दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखिए सिप्ला में दबाव है, SBI सरकारी बैंक में यहाँ एक ऐसा है जो शेयर जहाँ दबाव देखने को मिला। IT में भी आज देखिए कहीं ना कहीं मूड खराब हुआ, SCL टेक, TCS, L&T 90 जैसे स्टॉक्स थे जहाँ दबाव देखने को मिला। तो कोई ऐसा सेक्टर कह सकते हैं कि जहाँ नहीं है, जिससे कि बाजार को थोड़ा सहारा मिलता हुआ देखिए। हालांकि मिड कैप में कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है, और मिड कैप इंडेक्स के साथ एक अच्छी बात यह है कि यहाँ बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। अभी थोड़ी देर पहले देखिए मिड कैप इंडेक्स में थोड़ा दबाव देखने को मिला है, 40,275 का लो था मिड कैप इंडेक्स का, वहाँ से वहीं उसके आसपास ही। लेकिन कई सारे मिड कैप स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में, और कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे। सरकारी कंपनियों में देखिए REC में मजबूती देखने को मिली है, निफ्टी मिड कैप 100 का टॉप गेनर रही है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया देखिए, सरकारी बैंक जहाँ पर मजबूती देखने को मिली, BHL देखिए वहाँ खरीदारी देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स हैं, HPCL देखिए वहाँ थोड़ी मजबूती देखने को मिली है, PFC REC में तेजी है तो उसके दम पे PFC में थोड़ी खरीदारी देखने को मिली है। तो सरकारी कंपनी के शेयरों में आज वापस से थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ दिखा है, और चुनिंदा मिड कैप स्टॉक्स में खरीदारी, जो लगातार मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कुछ समय के लिए एक दो दिनों के लिए इंडेक्स के बजाय शेयरों पर बात की जाए। अगले 3 घंटे के ट्रेड में यही समझने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। और 3 घंटे का ट्रेड बताने के लिए निर्मल वन की स्वाति होतकर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति शुक्रिया, नमस्कार। बाजार का मूड तो ठीक नहीं है, क्या आपके पास कोई ऐसा लेवल जिससे बाजार का मूड थोड़ा ठीक हो जाए? क्या ऐसा कुछ दिख रहा है कि हाँ अब बाजार जो गिरावट आई है पिछले 2 दिनों से, इनफैक्ट आज जो गिरावट बढ़ती हुई दिखी है, हम सपोर्ट जोन के पास पहुँच गए हैं या यहाँ से थोड़ा और पेन बढ़ने वाला है? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली लास्ट 3 दिन से जिस हिसाब से हम लोग एक सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं, मुझे लगता है और एक दिन ये बरकरार हो सकता है। आज एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी रिडक्शन हमें लास्ट 1 आवर में देखने मिलेगा, बट जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने फॉल दिखाया ना, जिसने 50 डेज मूविंग एवरेज भी ब्रेक डाउन किया है जो कि अराउंड 45,000 के लेवल्स में था, एंड क्लोजिंग नीचे रख के, तो मुझे लगता है ये डाउनफॉल कंटिन्यूड हो सकता है। एंड बैंक निफ्टी मिनिमम सपोर्ट 44,500 के आसपास ले सकते हैं, देन वहां से हमें रिवर्सल देखने मिल सकता है। कि अगर बात करो तो यस, इसने अभी तक 50 DMA टेस्ट नहीं किया है, तो मुझे लगता है यहाँ पे ये टेस्ट कर सकता है 19,580 के आसपास है, तो वहां तक ये फॉल हमें देखने मिल सकते हैं। और 100-150 पॉइंट का फॉल निफ्टी में बाकी है, वो एक बार तक फॉल हो जाएगा, देन थोड़ा कंसोलिडेशन होगा एंड वहां से हमें पुल बैक आगे देखने मिलेगी। तो ओवरऑल व्यू काफी कॉशियस है दोनों इंडाइसेस पे, बट ये मार्केट ब्रेथ की भी अगर बात करें तो 1:2 का रेशियो चल रहा है। कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर नहीं है कि जो वन साइड रैली दे पा रहा है, ये काफी स्पेसिफिक स्टॉक्स में मोमेंटम हमें नजर आ रहा है। तो ये मार्केट में ऐसा वोलेटाइल मार्केट में हमें सर्टन स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए जो टेक्निकली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, एंड एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से के साथ खेलना चाहिए। तो अभी तो थोड़ा वेट करना चाहिए कोई फ्रेश बाइंग के लिए इंडाइसेस पर, तो कल तक हमें राह देखनी पड़ेगी कल के क्लोजिंग के ऊपर। प्रोबेबली मंडे हमें एक अच्छा रिवर्सल या पुल बैक रैली देखने मिल सकती है।
निफ्टी में स्वाति को लगता है थोड़ा और दबाव देखने को मिल सकता है, 19,500 तक का ऐसा स्तर है जहां तक जाता हुआ दिख सकता है। आपके नज़र में कोई शेयर यहां समझ में आ रहा है जिसमें कि खरीदारी करनी चाहिए मिड कैप या स्मॉल कैप में या लार्ज कैप में, बता दिया जहां पे आपको लगता है कि थोड़ा मुनाफा बनेगा? Yes, मैंने दो कॉल्स जनरेट किए हैं करंट लेवल्स पे, एक बाय है एक सेल है, सो मेरा पोर्टफोलियो बैलेंस्ड में रहेगा, कोई वन साइड कॉल नहीं दे रही हूँ। बाय में जैसे आपने कहा कि आज REC काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस बन रहा है, ऐसे मार्केट में ये ऑलमोस्ट 2% अपसाइड है, मुझे लगता है इसमें काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें देखने मिल सकती है 275 के रेंज में, करंटली 259 के आसपास चल रहा है, साइडवाइज मोमेंटम है, 253 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 275। सेकेंड कॉल मेरा शॉर्ट कॉल है जो कि है पिरामल एंटरप्राइजेस पे, PEL पे। इसमें अगर हम लास्ट 4-5 डेज का ट्रेडिंग सेशन देखोगे तो ये काफी स्टक हुआ था कंसोलिडेशन पैटर्न में 1050 और 1080 के रेंज में, आज उसने 1050 का ब्रेकडाउन दिया है, तो मुझे लगता है इसमें हमें एक सेल ऑफ देखने मिल सकता है या प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिल सकती है जो कि काउंटर को लेके जा सकता है 1000 के रेंज तक। तो करंट लेवल पे PEL आप शॉर्ट कर सकते हो, 1049 के आसपास चल रहा है, स्टॉप लॉस रखिएगा 1085 का फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1000 रुपीज ऑन डाउनसाइड। प्राइसेस में बिकवाली करने की सलाह, 1085 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना, 1000 का टारगेट होगा। REC में किस लेवल आपने खरीदारी करने की बात कही है स्वाति? REC 258 के आसपास चल रहा है, 20 DMA के ऊपर अच्छा वैसा वेल प्लेस्ड है, करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं, नीचे में आप स्टॉप लॉस रखिएगा 253 का, मैं अगर ये अपसाइड मोमेंटम रैली वापस कंटिन्यू होती है तो 275 के लेवल्स देखने मिलेंगे। REC है आपके पास तो 253 के स्टॉप के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं, 275 का टारगेट हुआ। जब REC की बात हुई तो PFC के बिना जो है ना चर्चा अधूरी हो जाती है। PFC देखिए, वहाँ भी हमने खरीदारी देखी है, एक अच्छी रैली दिखाई दोनों शेयरों ने, बीच में हमने देखा पिछले एक हफ्ते में थोड़ा दबाव देखने को मिला, वापस से ये इस बाजार में जब कमजोर है PFC में खरीदारी देखने को मिली, क्या राय होगी PFC को लेके? पॉजिटिव है बट ये मंथ में ऑलरेडी 10% अपसाइड मोमेंटम दे चुका है ये काउंटर कंपेयर्ड टू REC। REC में अभी भी पोटेंशियल है, इसके लिए मैंने वो बाय किया है दिया है। PFC की अगर बात करो तो डेफिनेटली ये काउंटर काफी स्ट्रांग है अपसाइड में, मुझे लगता है कि इसमें रैली हमें 250 तक देखने मिल सकती है। रिस्क रिवॉर्ड करंट लेवल पे मुझे फेवरेबल नहीं लगा, इसके लिए मैं थोड़ा साइडवेज मोमेंटम में देख रही हूँ PFC में। नीचे अगर ये 220-215 के आसपास आता है तो बाइंग पोजीशन इनिशिएट करना चाहिए फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 250 लेवल्स। PFC पे एक शेयर देखिए, आज इस बाजार में जो है वापस से मोमेंटम जनरेट करता हुआ दिखा है, खरीदारी देखने को मिल रही है, एक अच्छी रैली दिखाई थी इसने अगस्त में, फिर हमने देखा कि सितंबर में इस दबाव देखने को मिला, वापस से तेजी है। जैकॉर्प की मैं बात कर रहा हूँ, बीते 10-12 सत्रों से थोड़ा दबाव देखने को मिला, आज वापस से मोमेंटम जनरेट हुआ है। जैकॉर्प को लेकर क्या राय आपको बन रही है, क्या ये तेजी आपको लगता है कि देखने को मिल सकता है या जिसके पास है वो इस तेजी में निकलने का मौका खोजे? नहीं, इसमें काफी साइड हम लोग ने करेक्शन मोड देखा है जैकॉर्प में, अगर इसकी बात करो मुझे लगता है आज इस हिसाब से 2% अपसाइड है, 200 के लेवल्स इंटैक्ट रखे तब तक हम उम्मीद रख सकते हैं कि अपसाइड में वापस 220-230 के लेवल्स टच करेगा, तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस है होल्ड ऑन करना चाहिए, 200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेगा बट फ्रेश लॉन्ग कब इनिशिएट करना चाहिए 165 जस्ट टू गिव अ ब्रेकआउट ऑफ 220, 220 का अगर ब्रेकआउट दे देगा तो ही एक स्मूथ रैली हमें अपसाइड देखने मिल सकती है, तो फ्रेश पोजीशन ऐड ऑन नहीं कीजिएगा ये लेवल पे, जिनके पास ऑलरेडी है ये 200 के स्टॉप लॉस से रख सकते हैं, इमीडिएट टारगेट विल बी 220 देन उसके ऊपर 240 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। शेयर है तो 200 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इस शेयर को होल्ड करने की सलाह होगी। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स देखे हैं जिसमें कह सकते हैं मेगा एक्शन देखने को मिला, यानी काफ़ी ज़्यादा तेजी या गिरावट देखने को मिले खबरों के दम पे। इसमें पहला शेयर देखिए SGBN, कल जब मैं चर्चा कर रहा था इस शो का तो जब इस कंपनी को PFC से करार मिला था तो कल शानदार तेजी देखने को मिली थी, आज जो है चूँकि वो इसका ऑफर फॉर सेल आया है, वो डिस्काउंट बाय पर आया है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि शेयर पर दबाव देखने को मिला आज के ट्रेड में। सरकार जो है 59 के भाव पर जो है करीब करीब 5% के आसपास की हिस्सेदारी बेचेगी, उसकी वजह से शेयर पे दबाव देखने को मिला आज के ट्रेड में। सिनेमा देखिए SGS, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेड में जो है थोड़ी सी जो है मजबूती देखने को मिल रही है इस बाजार में भी, जिस तरीके से ब्रोकरेज रिपोर्ट ने इसको बढ़ाया उसका फायदा होता हुआ दिख रहा है शेयर को। इसके अलावा टारसन्स देखिए, यहाँ भी जो है करीब 4% की तेजी देखने को मिल रही है। मैं इसमें SGM के बारे में जानना चाहूँगा, कल हमने देखा था कि शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, आज जो है कहीं ना कहीं कल की सारी तेजी जो है सतलुज जल विद्युत निगम में कहीं ना कहीं आज जो है खत्म होती हुई दिख रही है, क्या राय होगी? किसी के पास है तो कोई चिंता की बात कर है, क्योंकि जो
प्राइस है ओएफएस का वो 59 के आसपास का, तो उससे थोड़ा सा ही ऊपर है। क्या इसको बतौर मौके के तौर पे देखा जाए क्या? नहीं, एसजेवीएन में काफी अच्छी रैली हम लोग ने देखी है। दो बार उसने ऑल टाइम हाई के आसपास रेजिस्टेंस बनाया जो कि 83.65 लेवल्स में था, बट वो ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। मींस वहां पे सेलिंग प्रेशर हमें नजर आ रहा है, उसे तो प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आ रही है। ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में गया, ट्रेड हो रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग डिनाई नहीं कर सकते। तो जिनके पास लॉन्ग पोजिशन है डाउन साइड से, उन्होंने एटलीस्ट करंट लेवल पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर चाहिए। अगर ये 70 के लेवल्स तोड़ता है ऑन अ डाउन साइड, तो मुझे लगता है ये 60 तक भी वापस एक डाउनफॉल हमें देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस में इनिशिएट नहीं करना चाहूंगी, एल्स आप प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट, और 70 के स्टॉप लॉस से सेकंड पार्शियल आप होल्ड कर सकते हो। आई बिलीव ये अगर होल्ड करता है 70 के लेवल्स, तो वापस 82-83 के लेवल्स ये टच करने जा सकता है। इसलिए मैंने शेयर पे पूछा, क्योंकि कल मैंने इसी शो में चर्चा की थी तो अच्छी मजबूती थी, आज गिरावट देखने को मिली। अगर आपके पास ये शेयर है तो घबराने वाली कोई बात नहीं, 70 का आप स्टॉपस लगाइए, थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो कर सकते हैं। बाकी आप शेयर अगर प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते तो 70 का स्टॉपस लगा के होल्ड कीजिए। वापस अगर शेयर मोमेंटम जनरेट करता है तो 80-82 के जोन में जाता हुआ दिखेगा। एक शेयर पर और जल्दी से राय बताइए, सेरा सैनिटरी वेयर। इस साल शेयर में देखिए 70-71% की मजबूती देखने को मिली, उसके इस शेयर में एक ट्रेंड देखने को मिला, ये अगर 2-3 दिन चलता है फिर गिरावट, फिर एक बड़ी तेजी देखने को मिलती है। इस शेयर में जब 9500 के आसपास था वहाँ से हमने देखा गिरावट देखने को मिली, 8500 के आसपास आया, वहाँ से वापस एक अच्छी मजबूत रिकवरी देखने को मिली 1000 पॉइंट के करेक्शन के बाद। आपको लगता है कि 2 दिनों से खरीदारी है जबकि हम देख रहे हैं कि 2 दिनों से बाजार में कमजोरी है, क्या ये मौका दे रहा है शेयर यहाँ से खरीदने के लिए? यस, हमें देख रहे हैं कि 8400 का ऑलमोस्ट 8480 के रेंज में कल उसने लो किया था, एंड वहाँ से ये पुल बैक रैली कंटिन्यू नजर आ रही है। आज का भी ओपनिंग काफी स्ट्रांग था, ओपन लो सेम था, स्ट्रेंथ अभी भी इंटैक्ट है, बट उसने भी 20 DMA लेवल का एक टेस्ट किया है रेजिस्टेंस लेवल, विच कम्स टू अराउंड 9000 के रेंज में। आज भी हाई वही था 9030, तो मुझे लगता है वो जब तक ब्रेकआउट नहीं दे पाता है जो 20 DMA का रेजिस्टेंस है, तब तक ये रैली थोड़ी बहुत ठंडी हो सकती है। बट जिनके पास भी लॉन्ग पोजिशन हो, मैं कहूंगी कि आप 8600 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिएगा। अगर ये ब्रेकआउट देता है 9030-40 का लेवल्स, तो वापस हमें 9500-9600 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ये राय आते हुए सेरा सैनिटरी वेयर पे। कुछ और स्टॉक्स हैं जिसमें और भी खबरों के दम पे मजबूती देखने को मिला, तमाम शेयर बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अंश जुड़ चुके हैं। अंश, मिड कैप स्मॉल कैप में कौन सा शेयर जिसमें खबरों के दम पे आज के ट्रेड में कहीं ना कहीं एक्शन देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत करते हैं SJVN से। आज स्टॉक में प्री ओपन मार्केट में 21 लाख शेयरों के कई सौदे हुए, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस में करीबन 9-10% की गिरावट नजर आ रही है। इसके साथ साथ GM फाइनेंशियल भी फोकस में रहेगा, इस स्टॉक में भी प्री ओपन में करीबन 15 लाख शेयरों के कई सौदे हुए थे, जिसके चलते स्टॉक प्राइस में 3-4% की तेजी नजर आ रही है। करूर व्यास और इक्विटास भी आज फोकस में रहेगा। HDFC AMC को RBI से परमिशन मिल गया है दोनों बैंक में कुछ 9.5% स्टेक खरीदने के लिए, जिसके चलते दोनों स्टॉक्स में 1-2% की तेजी नजर आ रही है। शुक्रिया अंश ये तमाम स्टॉक्स के बारे में बताने के लिए। दो शेयर में अभी जिसकी चर्चा अंश ने की है, स्वाति जल्दी से बताइए, उसके बाद मैं ब्रेक पे जाऊंगा। करूर वैश्य बैंक और इक्विटास, करूर वैश्य बैंक पे क्या राय आपकी होगी, इक्विटास पे क्या होगी? दोनों शेयर में आज हम देख रहे हैं कि खरीदारी देखने को मिल रही है और दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया है इस साल, क्या राय होगी आपकी? करूर वैश्य बैंक डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग है मोमेंटम में। अगर मंथली चार्ट देखोगे तो एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ, अगर कोई भी डीप आता है 125-120 की रेंज पे, तो ये बाय कॉल होना चाहिए पर्टिकुलर स्टॉक्स में। अपसाइड में मुझे लगता है ये 150 के रैली तक हमें मोमेंटम देखने मिल सकता है, तो इट्स अ बाय कॉल फ्रॉम माय एंड। अगर कोई भी डीप आता है तो नीचे में जब तक ये 115 के लेवल्स होल्ड करता है तब तक मोमेंटम पॉजिटिव ही रहेगा। एंड दूसरा स्टॉक आपने कहा कि इक्विटास, राइट? इसमें अगर बात करें तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक साइडवेज मोमेंटम रैली हमें देखने मिल सकती है। नीचे में 110 के लेवल से काफी क्लस्टर सपोर्ट लेवल्स हैं, वहां तक मुझे लगता है एक बार डाउनफॉल आएगा, देन वहां से हमें एक मोमेंटम रैली देखने मिल सकती है। तो बाय कॉल नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए पर्टिकुलर स्टॉक्स में। इट्स अ बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। ऊपर में 122-123 का ब्रेकआउट देता है तो ही स्विफ्टली रैली हमें अपसाइड देखने मिल सकती है 135-140 के लेवल्स में। तो करंटली ये लेवल पे साइडवेज रहना चाहिए इक्विटास में, बट डेफिनेटली करूर वैश्य बैंक आप एटलीस्ट 30-40% CMP पे ले सकते हैं।
तो ये राय आती है करूर व्यास्त बैंक में, अगर तो अभी निलिए थोड़ा नीचे आता है तो 125 के आसपास आप खरीदारी करके चल सकते हैं, फिर वापस से शेयर 150 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। हमने कई शेयर पर चर्चा की है, फटाफट अंदाज में चर्चा की। स्वाति ने जो है जल्दी जल्दी सारे शेयरों के टारगेट और स्टॉप लॉस बताएं कहीं शेयर की, और बताने के साथ विवेक कारवा जुड़ चुके हैं। विवेक शुक्रिया 89 सदस्य को समय देने के लिए, नमस्कार। कौन सा शेयर है दो आपके तरफ से जिसको बतौर महाथी आपने चुना है? देखिए मनीष, फटाफट करता हूं मैं। पहला तो रहेगा KICL, पहले हमने बात की थी और उसके बाद में काफी रन अप आया था स्टॉक में। अब ये मौका है मार्केट की गिरावट के वक्त आपको अच्छे शेयरों में एक्युमुलेशन करने का समय मिलता है और चांस मिलता है, तो KICL वापस एक बार देखना चाहिए। कंपनी अच्छी है, होल्डिंग्स अच्छे है उसके सब कुछ, तो यहाँ से ऊपर जाने की पूरी क्षमता रखता है। तो जैसे जैसे नीचे आता है बाय ऑन डिप्स आप करते रहिए। दूसरा स्टॉक है देखिए, ये है पिरामल फार्मा। ये भी मार्केट डाउन करके आज नीचे चल रहा है, 100 रुपए के नीचे आपको मिल रहा है। देखिए थोड़े दिन पहले कंपनी ने राइट्स इश्यू लेके आए थे वो लोग, उसके कारण डेट कम हुआ है और उसके कारण जो नतीजे आएंगे फ्यूचर में हो सकता है कि वो बेहतरीन आए, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट भी वहां पे घटने वाला है। CDMO प्लेयर है ये, और ये आपको अगले 2-3 साल के लिए लेना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये 200 से लेके 250 तक आराम से जा सकता है। और पिरामल एंटरप्राइजेस से डीमर्ज होके पिटा था कंपनी, लेकिन आज के दिन बहुत फंडामेंटली बहुत बढ़िया कंपनी है ये, तो लॉन्गर टर्म के लिए पिरामल फार्मा रहेगा। 100 के नीचे एक साइकोलॉजिकल एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा लग रहा है। और विवेक शुक्रिया, जल्दी जल्दी अंदाज में बताने के लिए थोड़े समय की कमी है, तो पिरामल फार्मा खरीदारी करने के लिए 250 रुपये तक का इसमें लक्ष्य होगा दो साल के नज़रिए से। इसके अलावा उनको जो है दूसरा शेयर जो पसंद आ रहा है कल्याणी इन्वेस्टमेंट पसंद आ रहा है, KICL उसका पूरा नाम ये है, इसमें खरीदारी करने के सलाह, इसमें मजबूती देखने को मिल सकती है। 2900 तक का लक्ष्य होगा, इसमें भी नज़रिए आपको 2 साल का रखना है। अब इन दोनों में से जो शेयर आपको पसंद है आप उसको खरीद सकते हैं। शुक्रिया बताने के लिए ये दो स्टॉक से विवेक। अब बात करते हैं ऑप्शन के चैंपियन के। और ऑप्शन के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ जो है कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल आठवले जुड़ चुके हैं। अमोल, क्या आप कौन सा पुट ले रहे हैं या आपको कोई कॉल पे भरोसा जग रहा है? नमस्ते। आई थिंक मुझे लग रहा है कि मार्केट का टेक्सचर जिस तरह से वीकनेस है, आई थिंक वही कंटिन्यू रहने के चांसेस है, तो मैं एक एशियन पेंट का पुट ऑप्शन देख रहा था 3200 का, सितंबर का। करंट मार्केट प्राइस अराउंड 28 रुपीज चल रही है और पोजिशनली मुझे लग रहा है कि पॉइंट ऑफ व्यू से 55 और 65 तक जा सकता है और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 40, बट ये कंडीशनल रहेगा। मुझे लगता है कि अगर एशियन पेंट वापस 3200 के नीचे ट्रेड हुआ तो इसमें एक वीकनेस बढ़ सकता है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है और निगेटिव कंसोलिडेशन दिख के आ रहा है, सो एक एशियन पेंट पुट ऑप्शन के साथ में जाना चाहूंगा। तो एशियन पेंट का 3200 का पुट खरीदना, अभी ये 25 रुपए के आसपास कर रहा है ट्रेड, 25.5 के आसपास सितंबर का, ये इस भाव पे ले ले अभी नहीं, थोड़ा सा कंडीशनल लोगे तो बेटर रहेगा। 3200 के बाद और इंट्राडे में और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वीकनेस पड़ेगा। अभी एक बाउंस बैक चल रहा है बट मुझे लग रहा है कि 3200 सैक्रोसेंट सपोर्ट लेवल रहेगा, उसके नीचे वीकनेस बढ़ने के चांसेस काफी ब्राइट है, सो कंडीशनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये रहा एशियन पेंट का पुट खरीदना है, लेकिन इसमें जो है स्टॉप लॉस 14 रुपये का लगाना है, 55 से 65 रुपये का इसमें लक्ष्य देखने को मिल सकता है। कोई भी ऑप्शन का ट्रेड करने से पहले आप स्टॉप लॉस को ध्यान से लगाइए, टारगेट स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए। शुक्रिया अमोल ये ऑप्शन के ट्रेड बताने के लिए। मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह मेरे सहयोगी